दोस्तों वेलकम बैक आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन दोस्तों आज मेरे दोस्त हैं एक चंडीगढ़ में उनका बेटा मोहित आया हुआ है यहाँ पर फर्नीचर मार्केट में आ, हम घूम रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फर्नीचर मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी जो तो फर्नीचर मार्केट्स हैं चाइना में वो कैसी हैं चलिए एक टूर लगाता हूँ बाद में समझाऊंगा आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में so, मोहित से हेलो टू फर्नीचर मार्केट कम सो so, दोस्तों ये जर्नी है जो है हमारी है दुनिया का सबसे बड़ा जो एक शॉपिंग मॉल है सिर्फ फर्नीचर के लिए और ये वो वहाँ पे है बारिश का दिन था हम लोग वहाँ पे गए मैं अपने दोस्त को दिखाने लेके गया ये ये फर्नीचर का बिज़नेस करता है इंडिया में आप लेआउट देखिए हमारे जो भारत के अंदर जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो भी ऐसे नहीं होते ये तो सिर्फ फर्नीचर की मार्केट है यहाँ पर सात से ज़्यादा शोरूम हैं एक ही मॉल के अंदर आपको हर तरह का फर्नीचर यहाँ मिल जाएगा वो बेशक वो चाइनीज़ है स्टाइल का और यूरोपियन स्टाइल है इवन इंडियन स्टाइल का फर्नीचर की दुकानें भी हैं यहाँ पर और ये लोग जो हैं ये सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने शोरूम फैक्ट्रियाँ आस पास में हैं शोरूम यहाँ खोले हुए हैं डिस्प्ले करने के लिए यूँ आपको आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उन्हें बोल सकते हैं कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं आपका घर जो है उसका साइज़ आप दे दीजिए उसके हिसाब से भी आपको ये फर्नीचर बना के देंगे आपके बजट के हिसाब से बहुत ही सस्ता है हमें लगता है कि मॉल में गए हैं तो चीज़ें महंगी आएंगी चाइना की यही खूबसूरती है कि वो आ, महंगा नहीं होता हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ती है आप देखिए जो ये मॉल है इसका लेआउट देखिए और अभी मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है हमारा भारत का झंडा ऊपर दुनिया भर के झंडे लगे हुए हैं बीच में उन्होंने चाइनीज़ का झंडा है वो बीच में हमारा भारत का झंडा भी ऊपर ऊपर लगाया हुआ है ये है मॉल का ले आउट कैन यू इवन इमेजिन देखिए नीट एंड क्लीन बारिश का टाइम था उसके बाद ये हाल है और ये रहा हमारा भारत का झंडा नेक्स्ट टू चाइनाज़ चाइना में पश्चिम लहरा दिया so दोस्तों अपना झंडा लहराने के बाद अब हम चलते हैं मॉल के अंदर मैं आपको दुकानें भी दिखाऊंगा कैसे लेआउट किया हुआ है इन्होंने आप देखिए कंटेम्प्ररी जो एक फर्नीचर होता है वो वाली सारी शॉप्स है यहाँ पर और अब इसकी खूबसूरती क्या है भाई इन्होंने डिस्प्ले भी इतना ब्यूटीफुल किया हुआ है कि आपको लगता है कि हर दुकान से सामान हम खरीद के घर ले जाएँ आपको वुडन का सामान मिलेगा आपको स्टोन का मिलेगा आपको इवन आर्टिफिशियल जो यहाँ पर स्टोन बनाते हैं उसका फ़र्नीचर अलग से है अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो जो आर्टिफिशियल स्टोन बनाती हैं लेडी उसकी मैंने आपको एक बार आ, वीडियो भी बनाया था अगर नहीं है तो आप जाकर दोबारा से देख सकते हैं कैन यू इमेजिन कि बारिश वाले दिन ऐसा मॉल का ये स्टेटस है नीट एंड क्लीन लेआउट इज़ ब्यूटिफुल और आपका मन करेगा और ये नई चीज़ें जो ये इन्होंने रेजन से बनाते हैं ये जो लिक्व लेकर लकड़ है उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं आ, रेजन की और फिर इन्होंने ये फर्नीचर बनाया हुआ है कभी भी इसको दीमक नहीं लगेगी आ, देखने में बहुत सुंदर लगता है लुक एट दिस फर्नीचर ये सारी नई चीज़ें हैं तो यहाँ पर अब न, आनी शुरू हो गई अब इस चेयर्स को देखिए ये भी सारा रेजन से बना हुआ है क्रिस्टल से बना हुआ ये बहुत महंगी चीज़ें ये वाली ये बहुत शौकीन लोगों के लिए उन्होंने ये फर्नीचर बनाना शुरू किया है अच्छा लगता है रेस्टोरेंट्स के अंदर ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही हैं आज की डेट में जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं चाइना के अंदर अब ये है जो यूरोपियन स्टाइल के फर्नीचर थे ये वो वाले इन्होंने डिस्प्ले करे हुए हैं यूरोपियंस आते हैं यहाँ से अपनी चीज़ें अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना कर लेके जाते हैं कई जगह पे वीडियो अलाउड नहीं था हमने फिर भी बना लिया भारतीय हैं कहीं तो दिखाना ही होता है हमने ये ये भी सारा रेस्टोरेंट्स में जनरली आप देखते हैं ऐसे डिस्प्ले की होते हैं ये है एक शॉपिंग मॉल इतने ज़्यादा फ्लोर थे कि वहाँ बैठ वहाँ पे चलते चलते हमारी टाँगें दुखनी शुरू हो गई लेकिन वो मॉल ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे तो कई दिन चाहिए एक मॉल को देखने के लिए आप समझ सकते हैं अगर सात हज़ार वहाँ पर शॉप्स हैं मोर देन आई थिंक सेवन या एट हंड्रेड थाउजेंड बल्कि सात या आठ लाख स्क्वायर मीटर का ये एक मॉल सिंगल मॉल है वहाँ पे लोगों की टांगे दुखने लग जाती हैं वहाँ पे मसाज की चेयर्स भी पड़ी हुई हैं कि आप घूम के आइए और अपनी मसाज कराइए ये हालत है इस मॉल की और गलती से मेरा है वो वीडियो में पाकिस्तान का झंडा भी आ गया ये उससे थोड़ी वीडियो मेरी लगता है ये वैसे ही अच्छी लगने वाली नहीं आपको लेकिन कोई बात नहीं ये है द, दोस्तों मॉल और ऐसे मॉल भारत में बनने चाहिए मैं ये वाली वीडियो भी मैं मोदी जी को भेजने वाला हूँ सर अगर आपको भारत के अंदर तरक्की लेके आनी है आपको ऐसे मॉल बनाने पड़ेंगे जहाँ पे एक ही मॉल में एक ही आइटम है इसमें कोई भी और ना खाने पीने की दुकान है इसके अंदर ना आपको किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मिलेगी कोई भी दुकान नहीं है ओनली एंड ओनली फर्नीचर मार्केट दैट मीन्स जो भी आदमी इस मॉल में आएगा उसे सिर्फ फर्नीचर ही मिलेगा दैट मीन्स आप एक ही मॉल में आते हैं आपको हर तरह का सस्ता हो महंगा हो ऑफिस का फर्नीचर है घर का फर्नीचर है आपको रेस्टोरेंट के लिए फर्नीचर चाहिए होटल के लिए फर्नीचर चाहिए आपको एक ही मॉल में हर वैरायटी मिल सकती है आपका बजट कम है तो उसके हिसाब से दुकानें हैं बजट ज़्यादा है उसके लिए भी दुकानें हैं मैं एक दुकान में गया सिर्फ एक डाइनिंग सेट जो डाइनिंग रूम के लिए आपको डाइनिंग टेबल चाहिए और डाइनिंग रूम के लिए आपको सोफ़े चाहिए एक करोड़ रुपए इंडियन इंडियन एक करोड़ में वो सेट था तो आपके 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 पॉकेट के हिसाब से है यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है और मेरा तो यहाँ पर आके मन करता है कि ऐसी चीज़ें भारत में होनी चाहिए जहाँ पर एक ही जगह पे अगर देखिए आपको अपना घर बनाना है आपको फर्नीचर लेने के लिए दस दुकानों पे जाना पड़ता है एंड वो कोई दुकान कहीं होती है कोई कहीं होती है लेकिन यहाँ पर सारा कुछ एक ही मॉल में है बिकम सो ईजी और जो आदमी आएगा ट्रक भर के लेके जाएगा इसलिए जो मेरे क्लाइंट्स हैं कई कई लोग हैं जो यहाँ से फर्नीचर लेकर जाते हैं वो वो आते हैं मेरे पास मैं उन्हें जगह पे लेकर जाता हूँ यहाँ पे आकर देखिए आप उसके बाद फैक्ट्री में जाइए फैक्ट्री में सामान बनवाइए और अपना कंटेनर भर कर ले जाइए कितना आसान है जस्ट इमेजिन दिस दिस इज़ द क्वालिटी जो मैं मैंने चाहता हूँ कि भारत के अंदर भी ये चीज़ें आएँ भारत में इन चीज़ों की बहुत कमी है अभी भी मैं ये नहीं है लोग वही बोलेंगे अरे आप तो चाइना की पढ़ाइयाँ करते रहते हो इंडिया को आप नीचा दिखाते हो ऐसा नहीं है मेरा मन होता है कि जो मैं चीज़ें यहाँ पर अच्छी देखता हूँ भारत को भी कॉपी करना चाहिए आपको क्या लगता है इनके पास अकल है चाइनीज़ के पास हमारे से ज़्यादा ये तो सारा कुछ यूरोपियन से कॉपी करके इन्होंने यहाँ पे कर लिया अब हमारा टाइम है हम इसको कॉपी करें ये देखिए आप सामने जो फर्नीचर पड़ा है बहुत ही महंगे वुडन के फर्नीचर्स हैं जो यहाँ पर हैं ये ब्रिटिश स्टाइल में बनाया हुआ इन्होंने ये पूरा शोरूम था एक सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ये ब्रिटिश स्टाइल का फर्नीचर है जिसको हम विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर बोलते हैं ये सारा शोरूम उसी के लिए है और बहुत ही महंगा ये शोरूम है एक वीडियोज अलाउड नहीं था हमने फिर भी छोड़ा नहीं इनको देखिए आप और ये एक सिंपल है जिसको हम तो लो बजट फर्नीचर ये बहुत ही सस्ते में ये बेड उसने हमें दिया इंडियन रुपीस में अबाउट टेन थाउजेंड रुपीज़ में आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के अंदर दस हज़ार में ये ये आपको बेड मिल जाएगा और वो लेडी मुझे बार बार बोल रही थी सर आप इन्जॉय करके देखिए हमारे बेड को मैं भी लेट गया हमें क्या था थक तो चुके थे हम लोग तो ये सारा जो फर्नीचर की दुकान है ये मैं आपको लो एंड दिखा रहा हूँ पहले मैंने आपको विक्टोरियन दिखाया स्टाइल का उसके पहले अमेरिकन स्टाइल थे चाइनीज स्टाइल थे ये बिल्कुल ही लो बजट जिस जिसका बजट हो भी आपके तीन चार लाख में पूरे घर का फर्नीचर लेके जाना है उसने बोला हम तीन या चार इंडियन लाख रुपीस में आपको पूरे घर का फर्नीचर दे देंगे वेरी सिंपल फर्नीचर आप देखिए कोई भी इसमें फ्रेश चीज़ें नहीं है वो ठीक है मैं अब जैन हूँ कभी दारू पीता नहीं हूँ हाथ में दारू की बोतल आ गई तो थोड़ा सा देखो खुशी तो होती है Uh, और ये सारा जो फर्नीचर है ये लो बजट लोगों के लिए है कोई फ्लैशी नहीं है एंड वेरी वेरी सिंपल सिंपल वुड से बनाया हुआ है और कोई लेदर की चीज़ें नहीं है कपड़ा लगा उन्होंने बना के दिया आपको और उन्होंने बोला कि आप अपने घर का डिज़ाइन दे दीजिए हम आपको तीन चार लाख रुपए में पूरे घर का फर्नीचर बना के देंगे और एक ही कंटेनर में आपका पूरा सामान आपकी कंट्री में पहुंचा देंगे इससे बढ़िया कोई चीज़ कंसेप्ट हो नहीं सकती भारत में तो मैं अभी मैंने बना एक फ्लैट लिया था उसके अंदर जो फर्नीचर लिया है मेरी चीखें निकल गई उसके लिए उसको फर्नीचर लेने के लिए बिकॉज दिखाते कुछ और हैं देते कुछ और हैं एंड क्वालिटी वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड और प्राइसिस प्राइसिस व टेन गुना टाइम्स हायर देन वाट आई एम सींगेर यहाँ पर क्वालिटी देखने में अच्छी लगती है प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल हैं ये चीज़ें हैं जो भारत के अंदर अब करने की ज़रूरत है और कब कैसी होंगी जब आप वहां पर कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करने देंगे वहां पर कॉम्पिटिशन से लोग इतना डरते हैं कि कोई चीज करने देते ही नहीं है yes. अब इसके बाद ये है कंप्लीट लेआउट जो मैंने आपको पूरे मॉल का दिखाया आई जस्ट शोड यू लिटिल बिट ओनली जस्ट टू गिव एन आइडिया कि यहाँ पर अगर दुनिया आती है परचेज़ करने के लिए तो क्यों आती है और जो यहाँ पर एक बार आ जाता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है देखकर कि यार इतनी वैरायटी भी हो सकती है आप दिमाग में सोचकर कुछ और आते हैं लेकिन यहाँ से लेकर कुछ और ही जाते हैं अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है उन्होंने इंडिया में प्रोजेक्ट किया आ, स्कूल का वो सारा फर्नीचर इसी यहाँ से लेकर गए यहाँ से मार्क आउट किया फिर फैक्ट्रीज़ में गए बनवाया और सेवनटीन कंटेनर्स देव टेकन फ्रॉम हेयर सिर्फ वहाँ बाकी आप समझ लीजिए कि जो इवन आ, कमरे के दरवाजे हैं वो भी यहाँ से बने बनाए वो भारत में लेकर गए हैं और अभी जो मेरा जो दोस्त आया हुआ था दोस्त का बेटा हुआ था मोहित आया हुआ था ये भी हक्का पक्का रह गया कि यार हम तो सोचते थे कि वी आर किंग्स इन इंडिया हमें लगता है कि वी आर नॉट इवन क्लोज टू वॉट दिस पीपल आर तो दोस्तों आपको भी भारत में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा कंसेप्ट को कॉपी करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अभी तो मैंने आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाया है मैं अभी आपको और दिखाऊंगा और इन्होंने कैसे किया है ताकि यहाँ पर बिज़नेस बढ़ता है एक ही चीज़ में बिज़नेस को कैसे स्पिन किया हुआ है और दुनिया यहाँ पर क्यों आती है इसी मॉल के साथ में एक और छोटा सा वो था जहाँ पर ये सारा फर्नीचर है सिर्फ ऑफिस के लिए देवरा मोर देन अबाउट हंड्रेड कंपनीज जो सिर्फ ऑफिस का टेबल और कुर्सियाँ वही बनाते हैं आप देखिए ये दस हज़ार में ऑफिस का टेबल है और जो कुर्सी है वो हार्डली ढाई तीन हज़ार रुपये की वो कुर्सी आती है कितने स्टाइल के टेबल्स हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल के टेबल एंड कुर्सियाँ एक एक दुकान बना रही है और यहाँ पर कितनी दुकानें हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते अब देखिए ये कुर्सी जो थी ये अराउंड फोर और फाइव थाउजेंड रुपीज़ की और इंडिया में ये पच्चीस तीस हज़ार हज़ार की बिकती है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं डिफरेंट कंफर्ट है और ये हम लोग हैरान रह गए थे यार ये बनाते कैसे हैं दोस्तों ये जो मार्केट है अभी मैं दिखा रहा हूं ये छोटी सी शॉप है एक और इसके अंदर सारा ऑफिस का फर्नीचर है आप सोच के देखिए एक ही शॉप के अंदर एक पूरा मॉल है ये और एक मॉल है ऐसे यहाँ पर पंद्रह बीस मॉल हैं आज बाजू में जहाँ पर आपको सिर्फ ऑफिस का फर्नीचर मिलेगा जो पिछला मॉल दिखाया आपको मैंने उसमें आपको सारा हॉब फर्नीचिंग का सामान मिलता है आपको एक करोड़ के भी अगर सोफा चाहिए एक एक घर के लिए आपको मिल जाएगा ये आपको सस्ता जो है मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाता है अब आप सोचिए कि भारत में ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आपको हजारों वराइटी मिलती हैं। अब घुमा के देखिए यहाँ पर कि ये एक एक छोटा सा मॉल है उसका एक फ्लोर है सिर्फ ऑफिस और कुछ भी नहीं और ये सिर्फ एक फ्लोर है अभी ऐसे आठ फ्लोर हैं इसके ऊपर और ये एक मॉल है इसके आस आजू बाजू में और फ्लोर हैं और मॉल्स हैं ये सामने देखिए इस इसके सामने आपको दरवाजे के बाद वहाँ पर एक दूसरा मॉल है उसके बाद एक और है लाइन में लगी हुई हैं और दो तीन किलोमीटर लंबी ये रोड है जहाँ पर आपको सिर्फ ऑफिस के फर्नीचर हो गया या फर्नीचिंग का सामान मिलता है ये फ़र्क है जो स्केल का फ़र्क है जिसके कारण इनकी कॉस्ट भी कम आती है कॉम्पटिशन ज़्यादा है और सारी दुनिया को सप्लाई करते हैं तो दोस्तों अब दोबारा से हम लोग इसी मॉल में आ गए कि भाई आप सोच के देखिए अगर ऐसा इतनी कंपनीज़ होंगी इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है यहाँ पर कि वी एक दूसरे से वो प्राइसेस के लिए लड़ते भी हैं लेकिन ये घबराते नहीं हैं ये हर रोज़ नई नई इनोवेशन करते हैं यहाँ पे एग्ज़िबिशन्स लगती हैं हर छः महीने में पूरे के पूरे फर्नीचर के जो डिज़ाइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं और चेंज होने से क्या होता है एक नयापन रहता है तो दोस्तों ये मैंने आपको देखना था दिखाना था एक Uh, यहाँ पे एक मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है पश्चिम हर मैंने लहरा दिया है एंजॉय करें जय हिंद वंदे मातरम बोलते रहें हाई देर इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट गेट टू स्मैश द लाइक बटन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एक्टिवेट द बेल आईकॉन सो दैट यू रिसीव ऑल नोटिफिकेशन वेन एवर वी अपलोड न्यू वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग